नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया। प्यारे साथियों, मैं आपको यूपी पुलिस में जो जीके जीएस पूछे जाने वाले 37 प्रश्नों के, उसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही आपको आने वाले समय में आपकी परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त के पास जरूर शेयर कर देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और इस बार उसे सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने होंगे, बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, साथ बनाए रखिएगा, आपको यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कोलाहाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो कौन से राज्य में बोली जाती है जो कोलाहाटी, तो ये बोली जाती है महाराष्ट्र राज्य। किस में? महाराष्ट्र राज्य में। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी। तो कौन से राज्य में हुई थी कोविड-19 कारण पहली मृत्यु, तो ये हुई थी कर्नाटक राज्य में। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने कि दादाभाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले भारतीय सदस्य बने। तो कौन से वर्ष बने थे दादाभाई और नौरोजी, तो ये बने थे 1892 में हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले भारतीय सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये मनाया गया था 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या पाँच है आपके सामने कि भीम का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो आप भीम ऐप यूज करते हैं पेमेंट के लिए उसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। तो ये भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या छः आपके सामने कि एमबी का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है एमबी का फुल फॉर्म, तो ये है मेगावाइट। क्या? मेगावाइट है एमबी का पूर्ण रूप। तो छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या सात है आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। कौन? फातिमा बीवी। तो सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या आठ है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है। तो कौन सी बीमारी होती है जीवाणु के कारण, तो एंथ्रेक्स। कौन? एंथ्रेक्स। ये बीमारी जीवाणु के कारण होती है। आठ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या नौ है आपके सामने कि किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ। तो इनमें से कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, तो नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद। तो नौ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के जितने भी प्रधानमंत्री, इनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। तो दस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दसवां क्वेश्चन है आपके सामने कि किस शहर को बेनेस्ट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो कौन से शहर को कहा जाता है, तो बेनेस्ट ऑफ द ईस्ट के रूप में जाना जाता है राजस्थान का उदयपुर शहर। तो दस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो
कब मिली थी? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 9 अगस्त 2019 को। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय? तो ये स्थित है कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा? तो कौन सी भाषा में लिखा गया है किताब उल हिंद को? तो अलबरूनी ने ये पुस्तक को लिखा था अरबी भाषा में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है यूएनईपी का मुख्यालय? तो ये है नैरोबी केन्या में। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी ये अरब सागर में गिरती है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ईमेल पते indian@solu.edu में इंडिया क्या है? तो क्या है इंडिया? तो इंडिया इसमें है यूजर नेम। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप जानते हैं एड्रा रेट के पहले जो भी नाम होता है, जिसका भी होता है, वो यूजर का नाम होता है। तो ये आपको वैसे भी पता है और पता भी आज चल गया होगा। तो प्रश्न संख्या 17 आपके सामने किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस नियम को बताइएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस नियम को कहा जाता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके आप सामने कि जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है एसजीएसटी का पूर्ण रूप? तो ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? तो ये स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था, ये आपको पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो कौन सी आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ये आईआईटी खड़गपुर। किसे? आईआईटी खड़गपुर को सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कौन से क्षेत्र में स्थित है कैलाश पर्वत? तो ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है कैलाश पर्वत। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो कौन से राजनीतिक दल का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था? तो ये गठित किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि एल्यूमिनियम का अयस्क है,
तो कौन सा है एल्यूमिनियम का आइसक, ये आपको बताना है। तो बॉक्साइड, कौन सा बॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम का आइसक है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस संविधान भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो कौन सी है, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि माधुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कौन से राज्य से संबंधित है ये माधुरी नृत्य, तो ये संबंध रखता है तेलंगाना से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि भारत यूएनओ में किस वर्ष शामिल हुआ था, तो कब शामिल हुआ था भारत यूएनओ में, तो ये शामिल हुआ था 1945 में जब स्थापना हुई थी, तो उसी वर्ष भारत भी शामिल हो गया था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है, तो क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट इसका जो आधिकारिक नाम है वो है ECM स्क्रिप्ट है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, तो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण कराया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने, किसने, ययाति केसरी ने। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है, तो कौन सी वो मुस्लिम महिला है जिन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था, तो वो मुस्लिम महिला है रहाना तैयब जी, कौन है रहाना तैयब जी। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो किसके रोग के लिए किया जाता है, तो अर्जुन वृक्ष की छाल किया जाता है हृदय के रोग के लिए। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने 33 में प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है यूरेनियम 235 का प्रयोग, किसका यूरेनियम 235 का प्रयोग। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है, तो किसकी पत्तियां खाता है लाल पांडा, तो ये खाता है बांस की पत्तियां, किसकी, बांस की पत्तियां लाल पांडा खाता है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 35 है आपके सामने कल्पना एक कैसा उपग्रह है, तो ये कैसा उपग्रह है कल्पना एक, तो कल्पना एक ये है मौसम विज्ञान उपग्रह। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था चौरी चौरा कांड, तो ये चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और ये पड़ता है गोरखपुर जनपद में उत्तर प्रदेश में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है, तो कौन से वंश से संबंधित है नरसिंह वर्मन, तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।